नमस्कार दोस्तों, आज हम एंडोमेट्रियम थिकनेस लाइन जिन फीमेल की कम है उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो यह क्वेश्चन हमें खुशी जी ने पूछा था कि जिन फीमेल में एंडोमेट्रियम थिकनेस लाइन कम है तो किस तरीके की दवाइयां और इंजेक्शन उनको दे सकते हैं और जल्दी रिलीफ पहुंचा सकते हैं। पर हमने ये नहीं बताया कि उनको यानी इस तरीके की फीमेल को या फिर उन्हीं को इस तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए तो वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या फिर एनसी पीरियड उनका टाइम पर आता है कि नहीं आता है या फिर उनको एसटीडी रोग है यानी इस तरीके की फीमेल को, तो कई तरीके की प्रॉब्लम हो सकती होती हैं, तब जाके एंडोमेट्रियम थिकनेस लाइन जो लो है वो हो सकती है। दूसरा एक कारण हो सकता है कि शायद उनका पैदाइशी जो एंडोमेट्रियम थिकनेस लाइन है वो कम आई हो, यानी ये जेनेटिक रीजन उनके माँ बाप यानी माँ के अंदर इस तरीके की समस्या है। तो इस तरीके की फीमेल को 1% एंडोमेट्रियम थिकनेस जो लाइन है वो कम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब जो भी फीमेल है उनमें दो तरीके के हार्मोन होते हैं, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है एमसी पीरियड है उसको टाइम पर लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इसमें किसी भी तरीके का इम्बेलेंस हो तो एमसी पीरियड टाइम पर नहीं आता और कंसाइव और एग रैप्चरिंग जैसी समस्याएं जो फीमेल है उनको भुगतनी पड़ती है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बीमारी के चलते, जैसे थायराइड से जुड़ी समस्या, किडनी, लिवर या फिर आंतों में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन यानी कहने का मतलब ये है एसटीडी रोग की समस्या, उनके अंडे बनते हैं कि नहीं बनते हैं, हो सकता है फैलोपियन ट्यूब बंद हो, तो कई रीजन हो सकते हैं प्रेग्नेंट ना होने के। अब इनका मेन क्वेश्चन था कि एंडोमेट्रियम थिकनेस लाइन है और जो उनकी पतली है उनको किस दवाइयों के जरिए ठीक करें। तो एमसी पीरियड आते समय इनकी जो लाइन है क्या कहते हैं, जो 0.5 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर होती है, 0.5 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए, यानी स्टार्टिंग पर एमसी पीरियड आएगा तो 0.5 सेंटीमीटर जो एंडोमेट्रियम थिकनेस जो है वो होनी चाहिए। अब हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो ट्रीटमेंट पे हम मैंने एक एंडोगेस्ट 200 जो कैप्सूल है उसके ऊपर वीडियो बनाया था आज से एक साल पहले, तो शायद आपने वो वीडियो देखा है कि नहीं देखा है, नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो एंडोगेस्ट 200 कैप्सूल के अंदर प्रोगेस्टेरोन जो हार्मोन है यानी इंग्रेडिएंट्स है वो दिया होगा। तो ये जो कैप्सूल है आपको बीडी यानी आपको ओरल यूज 3 दिन करना है केवल। अगर आपको वॉमिटिंग, जी घबराना, बेचैनी इस तरीके की समस्या है तो आप वेजाइनल यूज इस कैप्सूल को कर सकते हैं। कम से कम 15 दिन आपको इस कैप्सूल को बीडी वेजाइनल यूज करना होगा। इस कैप्सूल की जो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है पूरी डिटेल आप देख सकते हैं किस तरीके से इस कैप्सूल को इस्तेमाल करेंगे। आप अपने हाथों को वॉश करिए, वॉश करने के बाद में आप वॉशरूम जाने के बाद यानी टॉयलेट जाने के बाद में आपको इस कैप्सूल को बेड पर लेटकर फिंगर के जरिए आपको जितना डिप करना है उतना अंदर तक डिप करिए, जिससे कि जो अगर वेजाइना में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होगा और यानी प्रोगेस्टेरोन को बढ़ाने के लिए इस कैप्सूल को इस्तेमाल करते हैं तो एंडोमेट्रियम थिकनेस लाइन को बढ़ाने में भी ये कैप्सूल मदद करेगा। तो आप 15 दिन इस कैप्सूल को यूज करिए वेजाइनल ओरल यूज। अगर आपको वॉमिटिंग, घबराहट हो रही है तो आप वेजाइनल यूज करते हैं कर सकते हैं सॉरी। दूसरा, मैंने परफिल किट के ऊपर वीडियो बनाया था, तो परफिल किट के ऊपर भी वीडियो, अगर पूरी डिटेल आपको चाहिए तो आप इस वीडियो की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आप देख सकते हैं। तो परफिल किट का इस्तेमाल, जैसे कि अगर फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो उस समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस किट का इस्तेमाल परफिल किट का यानी जरूर पड़ने पर ही करें जब आपको यानी कंसाइव और यानी गर्भधारण होने में दिक्कत हो रही है, यानी डॉक्टर के कहने पर भी, कहने के अनुसार। दूसरा, एक इंजेक्शन आता है, उनने पूछा था कि एंडोमेट्रियम थिकनेस लाइन है तो कौन सा इंजेक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने हिकॉक 5000 आईयू इंजेक्शन के ऊपर वीडियो बनाया था आज से 1.5 साल पहले। तो हिकॉक 5000 इंजेक्शन के अंदर कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो है वो दिया रहेगा। तो आप जैसे गोनेट्स के ऊपर मैंने कई बार बता चुका हूँ गोनेट्स क्या होता है, तो मेन चीज है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आपको अपनी, जैसे किसी फीमेल को एंडोमेट्रियम थिकनेस या फिर कोई एसटीडी रोग है तो आपको पहले उसकी स्ट्रक्चर और उसमें किस वजह से एमसी पीरियड आता है नहीं आता इसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अन्यथा आप इसी तरीके से डॉक्टरों के चक्कर काटते रहेंगे। तो मैं बताऊं कि हिकॉक 5000 जो इंजेक्शन है कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जो हार्मोन होगा, तो गोनेट्स यानी जन, तो यानी जो हार्मोन जनन इंद्रियों से स्रावित होते हैं उनको हम गोनेट्स कहते हैं।
तो यह हार्मोन यानी एक तो कंसाइव होने में मदद करेगा और आपके जो हार्मोन इम्बेलेंस हुए हैं या फिर आपके जैसे पेन होता है या फिर जिन फीमेल के जैसे मैं उनकी एक समस्या ये हो सकती है कि एंडोमेट्रियम थिकनेस लाइन जो पतली होने के बाद जैसे अगर कंसाइव हो भी जाता है गर्भधारण हो भी जाता है तो बच्चा गिरने के चांसेस उनके ज्यादा रहते हैं। तो कई लोग भूत प्रेतों के चक्कर लगाते रहते हैं। तो आप हिकॉक 5000 जो इंजेक्शन है जैसे आपने एंडोगेस्ट टेबलेट जो सॉरी कैप्सूल है वो एमसी पीरियड के खत्म होने के बाद में तभी उस कैप्सूल को आपको वेजाइनल यूज करना है। और हिकॉक 5000 जो इंजेक्शन है इसका इस्तेमाल आपको यानी एमसी पीरियड के बंद होने के बाद आप इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं। अगर आप जैसे अगर आपका एग बन गया है उस कंडीशन में एग को तोड़ने के लिए भी हम इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं और एंडोमेट्रियम थिकनेस लाइन जिनकी कम है उस समय भी हम इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इंजेक्शन जैसे आज आपने लगाया अभी तो आईएम इस इंजेक्शन को लगाना है मार्केट रेट इसकी 350 से 500 के बीच में हो सकती है क्योंकि इंजेक्शन और दवाइयों के रेट बढ़ चुके हैं। तो हिकॉक इंजेक्शन जैसे आपने आज लगवाया फिर चाहे आप 7 दिन बाद या 15 दिन बाद आप इस इंजेक्शन को लगाते हैं यानी आपको लगाना पड़ेगा यानी आपको 2 बार लगाना है अगर जब आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते उस कंडीशन में। तो अगर जिनके बच्चे ज्यादा गिरते हैं यानी उनके बच्चे खराब हो जाते हैं गर्भपात उनका हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिक तो वो उसके अनुसार उनका डोज बढ़ाया जाएगा 7 दिन बाद ये इंजेक्शन गैप से 3.5 महीने तक उस कंडीशन में दिया जाएगा। और जैसे हमने एंडोगेस्ट 200 जो कैप्सूल है वेजाइनल हम यूज कर रहे हैं उसके बाद आप अगर डॉक्टर के कहने पर अगर आपको यानी जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें अगर रुकावट है तो आप परफिल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर वैसे ना करें और हिकॉक 5000 इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं आईएम आपको लगाना होगा। और न्यू फोर्स 3 किट टैबलेट एक आएगी इसमें यानी पूरी किट होगी तो ये बच्चा कराने वाली किट नहीं है इसके अंदर फ्लूकोनाजोल और एजिथ्रोमाइसिन और ऑर्निडाजोल इंग्रेडिएंट इसके अंदर दिया होगा। तो न्यू फोर 3 किट का जो इस्तेमाल है किसी भी तरीके के यानी एसटीडी रोग यानी इसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन दिया है और भी कई एंटीबायोटिक यानी ये कंपोजिशन है यानी इंग्रेडिएंट्स है एजिथ्रोमाइसिन ऑर्निडाजोल यानी पेट में के आसपास आंतों में होने वाले इन्फेक्शन को दूर करने के लिए और फ्लूकोनाजोल जो दूसरे जो है इसका वर्क उसमें काम करेंगे। तो मैंने न्यू फोर्स 3 किट के ऊपर भी वीडियो बनाया तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं पूरी डिटेल मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं जिनके बच्चे नहीं बनते हैं बेशक उनका एंडोमेट्रियम थिकनेस लाइन उनकी कम है या ज्यादा है या फिर उनके अंडे नहीं बनते हैं तो अंडे न बनने की कंडीशन में भी कॉम्बिप्योर 100 कैप्सूल आएगा। तो कॉम्बिप्योर 100 कैप्सूल का जो इस्तेमाल है जैसे आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो उस समय जैसे एमसी पीरियड स्टार्ट हुआ है तो आप पर डे 5 दिन इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। 5 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपका एग है जो यानी सही बन जाएगा जिनका नहीं बनता है तो उसके बाद आप हिकॉक इंजेक्शन लगवा सकते हैं और एंडोमेट्रियम थिकनेस की समस्या है उस समय भी हिकॉक इंजेक्शन को लगवा सकते हैं अन्यथा आप जो कॉम्बिप्योर जो कैप्सूल है उसको इस्तेमाल ना करें। दूसरा मैंने इन्फर्मिटी क्रीम के ऊपर वीडियो बनाया था इन्फर्मिटी क्रीम का इस्तेमाल अगर आपके अंदर जैसे लिकोरिया की समस्या है इंटरकोर्स करते समय अगर आपके पेन होता है और ब्लीडिंग यानी जब आपके एमसी पीरियड आता है उस समय उसके साथ में यानी चिपचिपा पानी और पीला पानी उस समय निकलता है तो आप इन्फर्मिटी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको वेजाइनल यूज करना है तो यूज करना सिंपल है तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो की लिंक इस क्रीम की डिस्क्रिप्शन में दिया है आप देख सकते हैं। तो 0.5 या 1 ml आप लेकर आप वेजाइनल यूज करें। जैसे एंडोकेस्ट कैप्सूल अगर आप रख रहे हैं तो आपको गैप 2 या 3 घंटे का गैप देना होगा इस क्रीम को रखने के लिए और आपके अंदर वीकनेस जरूर होगी और डिप्रेशन भी होगा जैसे आपको एंडोमेट्रियम थिकनेस लाइन आपकी कम है या फिर आपको किसी भी तरीके की बीमारी है तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। अगर आपको वीकनेस है तो ऑक्सीक्रेट सिरप होगी तो इसके अंदर लाइकोपेन विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर दिए होंगे अच्छी सिरप है तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं आप देख सकते हैं। तो ये जो ऑक्सीक्रेट सिरप है ये आपको बीडी इस्तेमाल करना है कम से कम 1 महीने तक खाना खाने के बाद में। और दूसरा कैल्डिकांड सिरप आती है तो कैल्डिकांड सिरप के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम और जिंक इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होंगे तो ये आपको
जो सीरप है वो लेनी होगी, यानी आपके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, कैल्शियम की कमी है, जिंक की कमी है, तो आप इस सीरप को यूज करना होगा बीडी यानी एक महीने तक। दूसरी है आयरोजॉर्ब सीरप, तो आयरोजॉर्ब के अंदर फेरिस एस्क्यूबरेट इंग्रेडिएंट दिया होगा, तो इसका भी इस्तेमाल बीडी आपको एक महीने तक करना है खाना खाने के बाद में, यानी दो दो चम्मच, तीनों सीरप में से आपको दो दो चम्मच लेना है। और एंडोगेट कैप्सूल आपको सुबह और शाम आपको बेजाना के अंदर रखना है। अगर परफिल किट की जरूरत आप पड़े, आपको लगे कि हमारे अंदर क्या कहते हैं हम प्रेग्नेंट होना चाहते हैं और हमारे यानी जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें किसी फीमेल के ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज होने की कंडीशन में बेशक आपकी एंडोमेट्रियम थिकनेस लाइन जो है वो ठीक है, फिर भी आपका कंसाइव और एग रैप्चरिंग नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, आपके अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, इसके बावजूद भी अगर उनके मेल पार्टनर में स्पर्म्स काउंट कम है और आप कितना भी ट्रीटमेंट करवा ले, उस कंडीशन में भी आप गर्भवती यानी आपका कंसाइव नहीं होगा और ना एग रैप्चर होने की कंडीशन में। तो आपको तीन बातें याद रखनी होंगी कि एक तो एग बनना चाहिए फीमेल के जो एमसी पीरियड आने के बाद, दूसरा एमसी पीरियड टाइम पर आना चाहिए, किसी भी तरीके का एसटीडी रोग फीमेल को नहीं होना चाहिए और उनका जो मेंटली प्रॉब्लम वाली किसी भी तरीके की समस्या ना हो। तो इस तरीके की महिलाओं को जो इस तरीके की कंसाइव और एग रैप्चरिंग में उनको समस्या आती है। और दूसरा, अगर पेट में गैस बनती है, कई फीमेल ऐसी होती है उनके पेट में गैस बनती है, खाना उनका हजम नहीं होता है, तो अलजले सिरप के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो अलजले सिरप आपको यानी जैसे आप ये सिरप ले रहे हैं तो इसको कम से कम एक घंटे के गैप से अलजले सिरप आपको लेना है, जिनके पेट फूल जाता है थोड़ा बहुत खाने पर भी। तो ये हो गया एंडोमेट्रियम थिकनेस लाइन को ठीक करने के लिए। और भी फिर तो कई सारे तरीके हैं, जैसे मैंने कंसाइव और एग रैप्चरिंग पर भी वीडियो बनाया था, यानी गर्भधारण कैसे किया जाए, तो फुल एलोपैथिक ट्रीटमेंट उसके अंदर बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो वीडियो शायद मुझे लगता है आपने देखा नहीं है, तो आप मेरे ख्याल से आप जिस भी डॉक्टर पे जा रही हैं, जरूरी नहीं है कि एंडोमेट्रियम थिकनेस लाइन कम हो। तो अब मेन चीज, आप अपनी सही जो प्रॉब्लम है वो बताएं, आप प्रेग्नेंट होना चाहती है, एमसी पीरियड वो टाइम पर लाना चाहती हैं, या फिर एंडोमेट्रियम केवल थिकनेस लाइन है वही केवल ठीक हो और बाकी की आपको यानी एग कंसाइव होने के लिए आपको इस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो अगर आपको केवल एंडोमेट्रियम थिकनेस लाइन है वही ठीक करनी है, तो आप ज्यादा टेंशन ना लें, आप एंडोगेस्ट जो कैप्सूल है 15 दिन आप उसको वेजाइनल यूज करिए, खाने के इससे ज्यादा बेटर होगा। अगर एमसी पीरियड टाइम पर नहीं आ रहा तो आप ओरल यूज करिए 3 या 4 दिन, अन्यथा 15 दिन आपको इस कैप्सूल को रखना होगा। दूसरा, हिकॉक इंजेक्शन इस कंडीशन में आपको लगाना होगा, हिकॉक 5000 इंजेक्शन। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। वैसे कई और भी तरीके होते हैं जिससे कि एंडोमेट्रियम जो थिकनेस लाइन है उसको ठीक किया जा सके। आपको कुछ टेस्ट भी करने होंगे, जैसे ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड आपको करना पड़ सकता है इस कंडीशन में, कि और तरीके की प्रॉब्लम तो आपको नहीं है, या फिर और एब्डोमिनल जो अल्ट्रासाउंड होता है तो वो भी आपको कराना पड़ सकता है, पर मेरे ख्याल से आपको ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी होगा। तो आप डिसाइड ये करें और क्वेश्चन पूछें तो पूरा क्लियर पूछें कि आप केवल एंडोमेट्रियम थिकनेस लाइन है उसको बढ़ाने के ऊपर कौन कौन सी दवाइयां हैं, तो आप इस तरीके की आपको दवाइयां दी जाएंगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं सिंपल तरीके से जो डिस्क्रिप्शन की जो लिंक है, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी बातें यानी लिख दूंगा कि एंडोमेट्रियम थिकनेस लाइन के लिए किस तरीके की दवाइयां हम दे सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।